भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है जहाँ पर हर एक चीज के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर भी जब कारों को चुनने की बात आती है तो इसमें हम सब भारतीय बहुत खास हैं। हैचबैक और एसयूवीज हमेशा से ही ट्रेंडिंग में है। इसके चलते स्टेशन वैगन्स कभी भी भारतीय लोगों पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। स्टेशन वैगन कार्स एक बड़े आकार वाली गाड़ी होती है जिसके अंदर एक फैमिली कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकती है। ये गाड़ियाँ बहुत स्पेशियस होती है और साथ ही उनकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। इन गाड़ियों में इतनी जगह होती है कि पूरे परिवार के साथ पिकनिक के सामान को एडजस्ट किया जा सकता है। भारत में स्टेशन वैगन कार्स यूरोप की वजह से आई थी। यूरोपियन मार्केट में स्टेशन वैगन कार्स बहुत फेमस थी। एक कार से लेकर भारतीय लोगों की रिक्वायरमेंट्स बेहद अलग थी, पर फिर भी बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने अजीब दिखने वाली स्टेशन वैगन्स को पुराने दौर के अंदर लॉन्च किया था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अंदर लॉन्च हुई स्टेशन वैगन्स के बारे में जानने वाले हैं, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करी जाए टाटा इस्टेट की, तो इस्टेट तब लॉन्च हुई थी जब टाटा मोटर्स टाटा इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। इस्टेट जब 1992 में पहली बार लॉन्च हुई थी तब ये कार उस जमाने की सबसे एडवांस कार मानी जाती थी। इस्टेट ने स्टेशन वैगन सेगमेंट की डेफिनेशन बदलनी चाहिए। कार अपने समय से आगे थी। कार के अंदर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, टैकोमीटर और फैक्ट्री फिटेड कैस्ट्रल प्लेयर मिलता था। कार में सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं था। कार स्पेशियस होकर भी कंफर्टेबल नहीं थी। एसी इफेक्टिव नहीं था और स्टेशन वैगन उस दौर में प्रैक्टिकल भी नहीं थी। जल्दी कार को साल 2000 में डिसकंटिन्यू किया गया था। टाटा मोटर्स ने एक बार फिर स्टेशन वैगन बनाने की कोशिश करी। इस बार उन्होंने अपनी जानी मानी कारों में से एक इंडिगो को आगे बढ़ाया और दूसरी स्टेशन वैगन बना ली। हालांकि इस्टेट के कंपैरिजन में मरीना के सेल्स अच्छे थे, लेकिन मरीना की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी और सेगमेंट भी नया था। गाड़ी के बल्की लुक्स की वजह से 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन अंडर पावर लगता था। इंडिगा के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई मरीना को साल 2004 के अंदर लॉन्च किया गया था। स्पेशियस इंटीरियर 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल था। लार्ज बूट स्पेस ट्रिप्स और लॉन्ग जर्नीज के लिए अच्छा था। 2006 के अंदर इंडिका मरीना को फेसिलिटी मिला और 2008 के अंदर नया वेरिएंट। पर इंडिका मरीना में कोई खास बात नहीं थी। 2010 में टाटा मोटर्स ने सारा फोकस मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कार पर शिफ्ट करके मरीना को डिसकंटिन्यू किया था। पर बंद होने के बावजूद भी स्टेशन वैगन के सेगमेंट के अंदर इंडिका मरीना यही कार कुछ हद तक रास्तों पर नजर आती है। मारुति सुजुकी इंडिया में हमेशा से ही एक प्रोमिनेंट ऑटोमोबाइल ब्रांड रहा है। स्टेशन वैगन सेगमेंट के अंदर भी मारुति ने सफलता हासिल करने का प्रयास किया था। 1999 के अंदर बलेनो अल्टुरा को लॉन्च करके मारुति ने नया बेंचमार्क सेट करने का प्रयास किया। बलेनो अल्टुरा कंफर्ट, स्पेस और इलिगेंट के पिलर पर आधारित थी। कंपनी क्लेम करती थी कि बलेनो अल्टुरा की एयर कंडीशनिंग सिस्टम मर्सिडीज एस क्लास से भी इफेक्टिव है। प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ अल्टुरा में बहुत से नए फीचर्स थे। कार में स्पेस की कोई भी कमी नहीं थी। कार की इलिगेंट डिजाइन प्रीमियम इंटीरियर अल्टुरा को बाकियों से अलग बनाते थे। ऊपर से 1.6 लीटर इंजन पावरफुल था। मारुति सुजुकी इस ब्रांड पर तो सबका भरोसा था, जिसकी वजह से बलेनो अल्टुरा के फेल्योर होने के पीछे ब्रांड ये कोई रीजन नहीं था। पर इंडिया के अंदर स्टेशन वैगन सेगमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं मिला और केवल 2 साल प्रोडक्शन में रहने के बाद बलेनो अल्टुरा साल 2002 में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। बाकी मैन्युफैक्चरर्स के जैसे ही फियाट ने भी स्टेशन वैगन सेगमेंट पर राज करना चाहा। फियाट वीकेंड स्टेशन वैगन सीएना सेडन से बनाई गई थी जो पैलियो हैचबैक के प्लेटफॉर्म पर आधारित थी। इटली के अंदर फियाट वीकेंड जोरों से बिकी। इटली के अंदर फियाट वीकेंड की सेल्स फिगर बहुत बढ़िया थी, पर भारत में इसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। कार के अंदर 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था। फैट वीकेंड करके ऐसे भी कोई कार थी ये बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते। फियाट ने दोबारा से एक और स्टेशन वैगन को लॉन्च किया जो वीकेंड के ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी। फियाट पेलियो एडवेंचर बेसिकली वीकेंड का स्पोर्टी वर्जन था। एडवेंचर के टायर्स, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और बल्कि लुक्स अच्छे थे, पर इन चेंजेस को छोड़कर पूरी गाड़ी अंदर से फियाट पेलियो थी। कार एसयूवी के जैसे दिखती थी।
2006 में लॉन्च होकर फिएट पेलो एडवेंचर साल 2000 में डिसकंटिन्यू हुई। फिएट ने भी अपना सारा फोकस लिनिया और पुंटो पर लगाया था, पर फिएट पेलो एडवेंचर के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट दिखती है। फिएट ये ब्रांड उस टाइम पर भारत में बहुत कुछ कर सकता था पर नहीं कर पाया। हालांकि पेलो एडवेंचर को करेक्ट टाइम पर डिसकंटिन्यू किया गया था। चेक एटोमिकर स्कोडा अपने बेहतरीन कार की वजह से जाना जाता है और स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी कोई अलग नहीं थी। स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी स्कोडा ऑक्टाविया इस मिड साइज सेडन का स्टेशन वैगन वर्जन था। स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी 1998 में यूरोप के अंदर लॉन्च होकर मोस्ट पॉपुलर स्टेशन वैगन बन गई, पर इंडिया के अंदर नहीं बन पाई। स्पेशियस केबिन और लार्ज बूट स्पेस ने कार को फैमिलीज के लिए आइडियल बनाया था। कार भारत में 2005 में लॉन्च हुई थी। डिजाइन से लेकर स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी बाकी स्टेशन वैगन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। पीछे की डिजाइन कार को प्रॉपर शेप देती थी। कार के एलेंट के वेरिएंट के अंदर 1.9 लीटर डीजल था, जबकि वीआरएस वेरिएंट के अंदर 1.8 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल पाता था, जिसकी वजह से ऑक्टाविया कॉम्बी फन टू ड्राइव कार थी। ऑक्टाविया कॉम्बी एक प्रीमियम स्टेशन वैगन थी जिसकी प्राइस 2005 के अंदर 14 से 15 लाख थी। कार में फीचर्स की कोई भी कमी नहीं थी, पर बाकी स्टेशन वैगन की प्राइजेस स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी के कंपैरिजन में बहुत सस्ती थी। भारत के अंदर कुछ यूनिट्स बेचने के बाद स्कोडा ने इसे डिसकंटिन्यू किया था। इस कार में आज भी एक अलग बात है जो आज के स्टेशन वैगन्स में नहीं। जर्मन ऑटोमेकर ओपेल ने भी स्टेशन वैगन सेगमेंट में कार लॉन्च करी थी। 2003 के करीबन लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये लगता था कि स्टेशन वैगन सेगमेंट ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। स्टेशन वैगन कार का सेगमेंट कार्स को लॉन्च करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। कोरसा स्विंग भारत में साल 2003 को लॉन्च हुई थी। ये भी कार ओपेल कोरसा पर आधारित थी। 1.6 लीटर इंजन के साथ ये कार 14 के एमपीएल का माइलेज निकाल कर देती थी। तो दोस्तों यही थी वो कुछ जानी मानी स्टेशन वैगन कार्स जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। स्पेशियस कंफर्टेबल एलिगेंट होने के बावजूद भी लो फ्यूल इफिशियंसी अंडर पावर लोअर रोड प्रेजेंस के चलते कार भारत में नहीं चल पाई। ऊपर से इंडियन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अलग थी। इन स्टेशन वैगन्स के बावजूद हिंदुस्तान एम्बेसिडर फिएट पद्मिनी प्रीमियम सफारी रोवर मोंगेटो जैसी स्टेशन वैगन्स भी भारत में लॉन्च हो चुकी थी जिन्हें कोई भी नहीं जानता, जिनके बारे में शायद ही किसी को पता है। तो दोस्तों यही थी कुछ स्टेशन वैगन कार्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।